काशी सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समायुक्तं बिंदावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वै नमो नमः। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्ति युक्तो भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तेथास्पदं शिवभिरिञ्चनु तं शरण्यं भीतातिहं प्रणुतपालभवद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि कवोदुष्वादर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापं गौरी निरन्तरविभूषि तवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सुलभम भगवन्याम जिह्वाच वशवर्तुनि तथापि लोकुम यान्ति नारकं किमाश्चर्यमते परमं सुलभं भगवन्याम जिह्वाच वशवर्तिनि तथापि लोकं यान्ति नरकं किमाश्चर्यमते परमं। गौड़ीय गोष्ठीपति शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए वृक्षों का मापिक सहिष्णुता गुण लेकर तिनका से भी झुकना पड़ेगा, तिनका से भी बहुत विनम्र होगी। जैसे तिनका का ऊपर से कोई पैदल चले जाते हैं, इसमें तिनका झुक जाते हैं, लेकिन ये तिनका से भी ज़्यादा छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा रहने से छागल और गौमाता वो खा लेगा। गौड़ीय गोष्ठीपति शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगतगुरु जी ने बताएं, तिनका से भी झुकना पड़ेगा, नीचा होने पड़ेगा और वृक्ष से भी ज़्यादा सहिष्णु सहनशील धर्म हमारा अंदर में होना चाहिए, तब आगे चलकर भगवान का अपराकित नाम गान हमारा जवान पे आ सकता है, इसका पहले नहीं। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने एक विचार सिद्धांत विचार रख दिया, तेनादि विश्वनेचन तौरपि सहिष्णुना अमानिना मनोदिनो कीर्तनीय सदा। किसी से लाभ पूजा प्रतिष्ठा सम्मान लेने का जरा सा भी गंदगी रहे, जरा सा भी गंदगी रहे तो इसमें भगवान नाम उच्चारण करना संभव नहीं। किसी का अंदर में जरा सा भी प्रतिष्ठा लाभ पूजा प्रतिष्ठा लेने का जरा सा भी गंदगी रहे तो भगवान नाम इनके जवान पे आने वाला नहीं। बड़ा आश्चर्य चीज़, ये टेस्टेड चीज़, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये ऑलरेडी टेस्टेड एंड फाउंड होके हर वक़्त ये बात सच्चा साबित होते आ रहा है। जिन जिन महाजनों का अंदर में ऐसा भाव देखा गया वो लोग ही हरिकथा कीर्तन में हिस्सा लिया, हरिकथा बोला, कीर्तन किया। हरिकथा कोई हरिकथा कीर्तन भगवान नाम कीर्तन कोई जड़ जगत का कोई विषय नहीं है जो किसी गवैया आए या गा देगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परिपूर्ण सहिष्णुता संपन्न तिनका से भी झुकना पड़ेगा, नीचा होना पड़ेगा और दूसरे को मान इज्जत देना और अपने लिए कुछ आशा नहीं रखना। अपना लिए बिल्कुल भी कोई हमको प्रशंसा करे, हमारा जयकारा दे दे, हमारा माला दे दे, हमारा पैर धुलाए, ऐसा कुछ नहीं। पूर्ण परिपूर्ण रूप में परिपूर्ण मैं कुछ भी नहीं हूँ इस दुनिया में, मेरा क्या परिचय है। एक वास्तविक साधु का यही विचार है, ये जो दुनिया है अनंत ब्रह्मांड, इसके बैकग्राउंड में मेरा क्या परिचय है, मेरा कुछ भी नहीं हूँ, एक धूलिकण का बराबर भी नहीं हूँ। क्या हूँ, मर जाए मिट जाए कुछ नहीं होने वाला, कोई परिचय नहीं आता। अनंत ब्रह्मांडों का बैकग्राउंड में अगर अपना परिचय ढूंढने जाए तो ये पागलपंती है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक डस्ट पार्टिकल भी नहीं हूँ। जैसे ये धरती मैया को आप मार्स मंगल ग्रह जाके देखना शुरू कर दो, लगेगा कि सरसों का दाना भी नहीं है, एक पॉइंट है, मंगल ग्रह जाके पृथ्वी धरती मैया को देखो, लगेगा कि कोई एक सरसों का दाना भी नहीं है। तो ये दुनिया में ये रिलेटिव वर्ल्ड है, अर्थात अपेक्षिक जगत। ये दुनिया है अपेक्षिक जगत, इसमें रिलेटिव सब कुछ रिलेटिव है, सब कुछ रिलेटिव है। सूरज भगवान ये धरती मैया से 14 लाख से भी ज़्यादा गुना बड़ा है, लेकिन होने से क्या होता है, ये सूरज भगवान से भी बहुत बड़ा सूरज भगवान एक कोने में रह जाएगा, ऐसा भी है, ऐसा सत्ता भी मिला है स्पेस रिसर्च में। तो ऐसा है, ये दुनिया में रहते समय, ये दुनिया में रहते समय हर वक्त इस बात को याद रखना जरूरी है। अगर गलती हो गया तो हम कभी भी भगवान नाम नहीं ले सकेंगे, कुछ भी हो सकता। हमसे अगर कुछ गलती हो गया, अहंकार का भाव प्रकटित हुआ, मैं कुछ भी हूँ, बड़ा हनुमान बन गया हूँ, तो कुछ नहीं मिलेगी। अपराकित आनंदमय, अपराकित आनंदमय जगत में, अपराकित आनंदमय जगत में प्रवेश करने का दैट इज द गेटवे। इसी गेट से आपको घुसना पड़ेगा। गेट बड़ा छोटा है, खैर छोड़ो, गेट तो छोटा है ही है, लेकिन अंदर में जाके जो मिलेगा, ये अनंत काल विचार कर भी आप समझ नहीं पाओगे क्या मिल गया। अनंत खजाना है। गेट छोटा ही सही, लेकिन अंदर में घुसे तो पता चलेगा क्या है। अनंत आनंदमय जगत, क्या संपत्ति है। लेकिन अभिमान के द्वारा बद्ध होने के कारण, बंधन दशा में होने के कारण, माया के चक्कर में रहने के कारण ये सब बातें समझ नहीं आते। प्रभुपाद कहते हैं, बड़ा सहिष्णु होकर हरिभजन करना, भगवान नाम करना, बड़ा आनंद से सेवा करना, करते करते आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगी, उसका पहले नहीं। बहुत अपने को विचार करना पड़ेगा, अपने आप का साथ। जब मैं क्या करने जा रहा हूँ, हरिभजन करने जा रहा हूँ, तो हमारा विचार ऐसा ही होनी चाहिए। श्रीमद् महाप्रभु जी भी ऐसा ही बताया रघुनाथ दास गोस्वामी को। अमानी मानद होकर हर वक़्त कृष्ण नाम कीर्तन करना, हरिनाम। सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी को ही नहीं, हर कोई को रथ यात्रा का टाइम में विदा, रथ यात्रा का टाइम में विदा होने का समय भक्तों लोग प्रभु का चरण में प्रार्थना करते थे और प्रभु भी उत्तर देते थे। जो भी जोदी तोमा सवार प्रीति थके आमा सने, यदि अगर आप लोगों का मेरा साथ प्रीति का बंधन है, तो हर वक़्त भगवान का नाम लेना, हर वक़्त भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम भूलना नहीं। कि शयने कि भोजने किंबा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बल हवदने। क्या भोजन करने का टाइम, सोने, सब नहाने का टाइम, डोलने का टाइम, हर समय महाप्रभु बोल रहे हैं कि शयने कि भोजने किंबा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बल हवदन। इसके अलावा कुछ नहीं बोलना, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना, बस इसी में सार है, इसी में सार वस्तु है। आम आदमी को अक्ल नहीं है, ये लोग जानता नहीं है, ये लोग जानते नहीं है। जब मरने का टाइम पे राम नाम सत्य है, ये बोलता है, बाला हरि हरि बोल बोलता है। क्यों? क्योंकि यही सार वस्तु है। कुछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं जाने वाला संग, कुछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं। एक फूटी कोरी भी नहीं ले सकता, अपना कपड़ा जो है वो भी खोल के जाना पड़ेगा, और नहीं खोलो तो जला देगा, कोई बात नहीं। अंगूठी पंगूठी रहे तो सब खोल दो, कुछ नहीं आएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना पड़ेगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लाकर तू जाएगा। बोलना बहुत आसान है, लेकिन अनुभव में उतारना बहुत कठिन, बहुत कठिन। बोलना बहुत आसान। इन दिनों में चर्चा करते हुए भगवान कृष्णों का, श्रीमती राधारानी का तत्व, सारे तत्व ऐसा विचार प्रस्तुत किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कि मत पूछो, इसमें क्या कुछ नहीं है। इतनी सी एरिया में गागर में सागर भर दिया। इतना सुंदर विचार है, इसमें भगवान गोविंद, श्रीमती राधारानी का तत्व, और फिर गौरंग महाप्रभु किस लिए आए हुए हैं, इसका क्या विचार है, ये सब हम पिछले इन दिनों में चर्चा करते आए। भगवान श्री कृष्ण का आने का मुख्य कारण, अभी प्राइमरी कॉज जो है, जो पहले वाला जो कारण है, साधारण कारण, वो तो चर्चा हो चुका है। और श्लोक भी बताया गया, हमने बताया था। हम इस श्लोक भी, श्री राधया प्रणय महिमा कीदृश बनैवा श्रद्धेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशा कीदृशो हैं वामदीय सक्षंचाशो मदनुभवतः कीदृशम वेति लोभात तद्भवाड्डो समजनी सचिगर्व सिंधु हरिंदु। ये है इंटरनल रीजन, किस लिए भगवान श्री कृष्णों अंतोध्यान करने का बाद विचार किया। जो ये जो राधा रानी का जो भाव है, मेरा पति प्रेम, ये क्या है, और मेरा अंदर में ऐसा कुछ क्या खास है जिसके लिए दयामयी राधा रानी पागल बन जाती, दीवानी बन जाती, क्या बात है। इसको हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो विषय विग्रह हूँ, हमको कैसे पता चलेगा। हमको तो पता नहीं चलेगा ना, हम तो विषय विग्रह हूँ, वो आश्रय विग्रह है, इसलिए आस्वादन करते रहते हैं। विषय विग्रह का अंदर में क्या है, विषय विग्रह का प्रति आश्रय विग्रह का प्रेम है, आनंद है, आपस में हिल मिल, लेकिन बाहर का आदमी को पता नहीं चलता, क्या करें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तैयार की जो चलो हम अभी कृष्ण रूप लेकर आए हुए हैं, ठीक है, जो करना है तो लीला विलास किया है, लेकिन अब हम दयामयी श्रीमती राधारानी का अंग कांति, बॉडी इफल्जेंस और इसके इनके जो भाव है वो चुरा लेंगे, क्योंकि मेरा भाव जो है इसमें तो आस्वादन होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो आश्रय हूँ ना, तो विषय का पीढ़ी में उतारना पड़ेगा, विषय का पीढ़ी में जाना पड़ेगा तो पता चलेगा। तो ऐसा करके भगवान ने निश्चय किया मैं अभी गौरांग रूप लेकर अवतरण करूं। अवतरण करके ये सब रस आस्वादन जो गोविंदो अर्थात मैं गोविंद स्वरूप लेकर जो आस्वादन किया था, राधा ने आपस में जो लीला किया, अंदया में राधा रानी है, आनंद तो हमको मिला, ये तो बात पक्का है, ऐसा नहीं कि आनंद मिला नहीं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, आनंद मिला, लेकिन कौन सी आनंद है, दयामयी राधारानी इनके आनंद क्या है, ये करोड़ों गुना ज़्यादा है। ये तो मेरा अंदर में क्यूरियोसिटी आ रहा है, ये दयामयी क्या आनंद लेती है ये सो हमको पता नहीं चलता क्यों मैं विषय हूँ, तो इसीलिए मेरे को उतारना पड़ेगा, आना पड़ेगा जगत में। और मैं ही कृष्णो राधा भाव को चोरी करेंगे और राधा का अंग कांति चोरी करके मैं आएंगे। काल ये तक बताया था रूप गोस्वामी पाद जी ने अपना दान के लिए कौमुदी में लिखा हुआ है, विदग्ध माधव में बोला था, ये भी चर्चा हो गया। अभी दान के लिए कौमुदी में लिखा हुआ है जे विभूरोपी कलयन सदाभिवृद्धि गुरुमपि गौरवचर्याहीनः मुहुर उपचित वक्रीमोपि शुद्धो जयति मुरद्दिशि राधिकानुरागः। श्रीमती राधा रानी का जो अनुराग है ये कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं है, मामूली चीज़ नहीं है। श्रीमती राधा रानी का जो अनुराग है ये कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं है, मामूली चीज़ नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में ये सबसे ऊपर है। अनुराग का बारे में कुछ अगर कंसेप्शन लेना चाहते हो आप लोग तो दो एक उदाहरण दे दे, इसके द्वारा थोड़ा बहुत पता चलेगा। तो परफेक्ट तो पता चलना मुश्किल है, भजन करते करते इस अवस्था में उतारे तो ये पता अप्राकृत जगत का अनुराग, राग, अनुराग, प्रेम, प्रीति, भाव, ये सब दूसरा जगत का बात है। ये जगत में रहते समय ये सब आस्वादन करना संभव, हाँ संभव है, अगर गौरंग महाप्रभु का जो दिखाया गया रास्ता है इसी रास्ता को फॉलो करेगा कोई तो हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं। अभी एक उदाहरण प्रस्तुत करें, इसके द्वारा आपको जनरल कंसेप्शन ग्रो कर सकता है। जैसे एक हीरो हीरोइन है, एक दूसरे से प्यार करता है, ये दीवाना है, ये दीवानी है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन विचार वाला बात ये है, विचार करने का ये विषय है। तो रोज ही तो ऑलमोस्ट रोज किसी विशेष कुछ काम पड़ गया तो अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट डेली रोजाना ये लोग मिलते जुलते हैं, कभी ईडन गार्डन में, कभी गंगा का किनारे, कभी चिड़ियाघर में, ये तो मिलते रहते हैं। चलो घूमे आए, थोड़ा सिनेमा बायोस्कोप देख के आए, ये तो चलता ही है। लेकिन एक बात पक्का है, जब हीरो हीरोइन को देखता है और हीरोइन जब हीरो को देखती है, देखो ये कमीज पर के आई थी काल, आज एक ब्लू कपड़ा पहन के इतना आई है, देखने का हीरो चौंक गया, आह आज कितना देखने में लगता है तुमको, आह। इसी का नाम है अनुराग। एक ही चीज़ मैं रोजाना देख रहा हूँ फिर भी रोज आनंद उछल पड़ता है, आई बात समझ में? इसका नाम है अनुराग। लव अफेयर में ऐसा होता है। तो ये जो राधा रानी का जो अनुराग है ये कोई मामूली बात नहीं, मेटेरियल जगत का अनुराग में कोई खास नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट तो है ही है, एक दूसरे को एंजॉय करेगा, आनंद से जिएगा, हैं तुम मेरी हो मैं तुम्हारी हूँ ये सब तो चलते रहता है। लेकिन ये बात नहीं है, ये कोई खास नहीं है। शरीर मर जाए, मिट जाए, सब खत्म हो जाए, जब शरीर गया तो सब कुछ गया, तो क्या खास है? कुछ नहीं है। इसका मतलब है इट इज़ वन काइंड ऑफ इन्फैचुएशन, मोह है। विचार करके देखे ते मोह छोड़कर कुछ नहीं है, इसी का अंदर में लगे हुए हैं दिन रात, गाना बजाना आनंद, होटल में जाना, रेस्तोरां में जाना, आनंद लेना, सिनेमा, वही ले इसको पता नहीं कि तेरों को काल घाट में उतारा जाएगा। तू भूल गया बंदा, तू भूल गया काल तेरों को घाट में उतारा जाएगा, तू भूल गया। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है हम लोगों का तरफ से। इट इज़ वन काइंड ऑफ ब्लंडर मिस्टेक दैट हम लोग भूल जाते हैं कि दुनिया में आए हैं, ये रहना नहीं है, ये जाना है। ये तो फॉरेन कंट्री है, जैसे फॉरेन कंट्री वीज़ा लेके जाओ, हो गया चलो बाहर निकालो। इस जगत में भी थोड़ी दिन के लिए आया है, एक दूसरे का साथ प्यार मोहब्बत हो गया, प्यार प्रीति हो गया, भाई चलो ये दूसरा जगह चला गया। दूसरा कहाँ हीरो है, कहाँ हीरोइन है। ये गया उत्तर दिशा में, ये गया दक्षिण दिशा में, कहाँ जाए बोलो। लेकिन फिर भी आसक्ति टूटता नहीं। फिर भी विचार करके देखो तो आसक्ति टूटता नहीं, आसक्त बने रहता है, क्या करो। तो ये जो श्रीमती राधा रानी का अनुराग जो है, ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं। विभू राधा रानी का अनुराग इज इक्वल टू राधा रानी। राधा रानी का अनुराग और राधा रानी सेम है। राधा रानी विभू वस्तु है, गोविंद से अलग नहीं है। शक्ति शक्ति मतुर अभेद। सो गोविंद जो है वही राधा रानी, स ए वो सा। यही जो प्रेम प्रीति का रिश्ता है, ये जो विभू अनुराग, विभू विभू मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। विभू का मतलब राधा रानी का प्रेम, राधा रानी का अनुराग जो है ये विभू है। विभू का मतलब है एंडलेस। आप सोचो क्या बात है। राधा रानी का जो अनुराग है ये विभू वस्तु है, अर्थात एक्सट्रीम पॉइंट होने के बावजूद ऑलवेज इंक्रीजिंग, सर्वदा बदल। श्रीमती राधा रानी से बढ़कर गुरुत्व किसी का नहीं हो सकता, यहाँ तक कि कृष्ण का भी नहीं। यद्यपि हम लोग कहते रहते हैं शास्त्रों का विचार, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम तो कहते रहते हैं, लेकिन होने के बावजूद इस बात पर ध्यान देना, जे यद्यपि कृष्णम वंदे जगत गुरुम तो है ही है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम तो है ही है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना श्रीमती राधा रानी का जो गुरुत्व है, श्रीमती राधा रानी जो ऐसा गुरु है, ये अनंत ब्रह्मांड में कहाँ नहीं मिलेगी। ये कृष्ण से भी बढ़ के है, इसलिए यद्यपि राधा रानी गुरु है, अत्यंत गुरु, कृष्ण जिससे सीखते रहें, बहुत कुछ सीखते हैं भगवान, सीखते हैं राधा रानी से, गाना बजाना बहुत सारे चीज़। लेकिन फिर भी राधा रानी का अंदर में कोई भी जरा सा भी प्रतिष्ठा लेने का कोई इच्छा नहीं है। सीखना होगा। गौरवाचारण विहीन इतना गुरुत्व है जो कृष्ण से भी बढ़ के, एक्सीडिंग कृष्ण, हिज गुरुशिप इज एक्सीडिंग कृष्ण, बट स्टिल नो फॉल्स ईगो, बिल्कुल तिनादबी कुछ नहीं है। तो गौरवहीन, किसी से गौरव मांगती नहीं है, ग्लोरिफिकेशन। विशुद्ध हो, इससे ज़्यादा विशुद्ध हो अनंत ब्रह्मांड में कई जगह कुछ नहीं है। और निर्मल, निर्मल में इतना पवित्र है, इतना विशुद्ध है, होने के बावजूद हर वक़्त श्रीमती राधा रानी का अंदर में हर वक़्त ये जो प्यार का जो खटमटी, जानते हो, खटमटी जानते हो, ये कृष्ण का साथ हर वक्त गुस्सा, प्रेम की गुस्सा और रूठना, जैसे हीरोइन रूठ जाते हैं, चलो अब दरकार नहीं, चलो अब कुछ दरकार नहीं, हीरो को बोल दिया चलो हम अब दरकार नहीं, दरकार नहीं है मतलब ज़्यादा दरकार है, दरकार नहीं है मतलब ज़्यादा दरकार है, को दरकार नहीं हो गया चलो जाओ मतलब और ज़्यादा दरकार है। ऐसा माफिक प्रेम का रिश्ता है, जहाँ प्रेम का गहराई है, जहाँ प्रेम का गहराई है वहाँ ऐसा रहेगा ही रहेगा। हीरो रूठ जाए, हीरोइन रूठ जाए, आपस में खटमटी, ये चलते रहते हैं। ये प्रीति का, प्रेम का एक विलास है। ये प्रेम प्रीति का रास्ते में जिन्होंने प्रेम किया, हो सके आज बूढ़ा हो गया लेकिन पहले तो किया है प्रेम प्रीति, इसको मतलब पता चलेगा। तो ऐसा ही है। तो ये सबसे एक्सीलेंट है, एक्सट्रीम पॉइंट, विशुद्ध हो, निर्मल, सब ठीक है, फिर भी हर वक़्त पल पल में थोड़ा रूठ जाना, ये राधा रानी का जो प्रेम की बिहेवियर है, व्यवहार है, इसमें ये स्वाभाविक है। अपना जो विशुद्ध प्रेम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हीरो का ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसमें खटमटी लगती है। तो कृष्णों का चरण में श्रीमती दयामयी राधा रानी का जो अनुराग है, प्रगाढ़ अनुराग, एक्सट्रीम, ये जो अनुराग है, ये अनुराग को जयकारा देते हैं, जय अनुराग की जय हो। विभुरपि कलयन सदा विवृद्धिम गुरुमपि गौरवचर्यया विहीन मुहुर्पोचित वक्रिमापि शुद्धो जयति मुरद्दीशी राधिकानुराग। ऐसा मापिक जो दयामयी राधा रानी का अनुराग है, ये जययुक्त हो जाए, हर हालत में जययुक्त हो जाए। अब भगवान श्री कृष्ण का विचार ये बनता है, मैं तो विषय जाती हूँ सुख, मैं विषय हूँ, मैं तो विषय हूँ ना, विषय होने के नाते मैं सेवा लेता हूँ, ठीक है, और विषय राधा रानी को भी सेवा करता है भगवान श्री कृष्ण, इसका बात अलग है, ये तो करता है। लेकिन अभी जो सवाल है, भगवान विचार कर रहे हैं कि विषय जातियों सुख अमार आसाद, विषय होने के नाते मैं विषय हूँ और जो लोग मेरे को सेवा कर, इसमें तो आनंद होगा ही होगा, तो इसका कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये आनंद अलग सा आनंद है। लेकिन श्रीमती दयामयी राधा रानी का अंदर में कौन सी ऐसी आनंद जो करोड़ों गुना ज़्यादा है, ये मेरा बड़ा क्यूरियोसिटी है, इसको चाखना पड़ेगा, आस्वादन करना पड़ेगा। लेकिन ये विषय बनकर, विषय जातियों, विषय विग्रह बनकर ये आस्वादन करना कदापि संभव नहीं हो गई, कदापि। तो इसीलिए सही प्रेमार राधिका परम आश्रय, मेरा और दयामयी राधिका रानी का अंदर में जो प्रेम है, इसमें मैं विषय विग्रह हूँ, वास्तव विग्रह। अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीडोमिनेटिंग एब्सोल्यूट और प्रीडोमिनेटेड एब्सोल्यूट, ऐसा नियम है। सेई प्रेमार राधिका परम आश्रय, सेई प्रेमेर आमी हुई केवल विषय, मैं विषय हूँ, दयामयी राधा रानी आश्रय है और मेरा अंदर में उतना ही है, विषय जातीय सुख हमारा साथ, विषय विग्रह होने के नाते मेरा अंदर में जो आनंद है वो तो मिलता ही है, कोई बात नहीं, विषय जातीय सुख हमारा साथ। लेकिन ये आश्चर्य की बात, हैरान की बात है, आश्चर्य की बात है, हमसे करोड़ों करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद श्रीमती राधा रानी लेती है। वो कैसे? बड़ा हैरान की बात है। आमा होते कोटिगुण आश्रयर आल्लाद। और मेरा मन में ये विचार आता है, कभी ये भी मन में ऐसा विचार आता है जी इनके अंदर में कौन सी आनंद। अभी कभी आश्रय जातीय सुख, अर्थात श्रीमती राधा रानी आश्रय विग्रह होने के नाते जो आनंद लेती है वो मेरे को अच्छा लगता है। मेरा अंदर में क्यूरियोसिटी हो रहा है वो कौन सी चीज़ है, और मेरा अंदर में कौन सी ऐसी खास वस्तु है जिसके द्वारा दयामयी राधा रानी दीवानी बन जाती है, पागल बन जाती, पागली बन जाती, पागलिनी। ये आनंद लेने के लिए मेरा मन बड़ा टलमल हुआ, चंचल हो गया। आश्रय जातीय सुख पाइते मन धाय जतने आस्वादिते नारी की करियो। हम बहुत प्रयास पर चेष्टा करके देख चुके हैं, हम बहुत बार ये प्रयास पर चेष्टा करके देख चुके हैं, लेकिन आई वॉज फेल्योर। बहुत यत्न किया, केयर किया, लेकिन ऐसा आस्वादन करना संभव नहीं है। तो बाद में विचार किया हमको आश्रय का स्टेज में उतारना पड़ेगा, अर्थात दयामयी राधारानी का भाव और अंग कांति चुराना, और कोई चारा नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं। कभू यदि यही प्रेमार हुई आश्रय, अब कभी अगर आश्रय बन के उतारूँ मैं दयामयी का भाव सब चुड़ा कर, तो फिर आगे चल के तब से ही प्रेमानंदेर अनुभव, तब आगे चलकर ये प्रेम आनंद का अनुभव हो सकता, उसका पहले नहीं। अब क्या करें? एतो चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी with full curiosity Krishna waiting for the moment to come when I can avail this chance. Krishna eto chinti rahe Krishna param kautuki hriday bade prem lobh dhagdhaki andar mein इसी बात का लोभ पैदा होती है। इतना लोभ पैदा होता है जो कब मिले रहा नहीं जाए, कब मिले, बड़ा अंदर में ऐसा भाव होता है और रहा नहीं जाए, पेशेंस से टूट जाए। हृदय बारह प्रेम लोभ धोखधोखी। यही एक सुनो यार लोभेर प्रकार। ये तो पहला कारण बताया जो हमने ये सब बताया ना, ये जो हमने बताया ना, हमने पहले ही बताया। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृश बनैवा स्वाद्वजेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः शोक्षंच मदन भवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भवाढ्यः समजनी सचिगर्भ सिंधु हरि इंदु। ये बात को कई बार इस श्लोक को दोहराया है, विचार किया। अब ये पहला कारण है। दूसरा वांछा, दूसरा कारण अभी सुनने का प्रयत्न करें। और एक सुनो आर लोभेर प्रकार, दूसरा एक ये लोभ का दूसरा एक कारण है। सौ माधुर्य देखिए कृष्ण करें इन विचार। कृष्ण सोचते रहते हैं कि हमारा अंदर में ऐसी कौन सी खास वस्तु है जिसके लिए ये ऐसा बन जाती है। सौमाधुर्य देखी कृष्ण करें विचार। अद्भुत अनंतपूर्ण मोर मधुरिमा, मेरा अंदर में अनंत मधुरिमा भरपूर है, लेकिन मेरे को पता नहीं। मैं थोड़ा बहुत जानकारी है लेकिन फीलिंग नहीं है डायरेक्ट क्या है। मेरा अंदर में जो अनंत आनंद महिमा मधु है ये तो है ही है। वेदों में भी बोला ओम मधु ओम मधु ओम मधु। मधु मतलब मधुपति भगवान। मधु का बारे में बल्लवाचार्य भी लिखा है, अधरम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम है, ऐसा तो लिखा है तो मधुराष्टकम में, और ऐसा तो है ही है भगवान मधुर। लेकिन ये मधु तो डायरेक्ट फीलिंग होना संभव, डायरेक्ट प्रैक्टिकली, क्योंकि वो तो स्वयं मधु उसका अंदर से खरीद होते रहते हैं मधु। लेकिन आस्वादन कौन करे? राधारणी आस्वादन, अपना मधु थोड़ी आस्वादन करेगा कृष्ण, ऐसा तो नहीं। तो ये विचार आया अन्य स्वमाधुर्य जो देखी कृष्ण करेन विचार, अपना माधुर्य जो देख के कृष्ण ने विचार की। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, ये मेरा अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा माधुर्य त्रिजगते इहार केहो नहीं पाए सीमा। ये त्रिभुवन में इसका कोई सीमा नहीं है। यही प्रेमदारे नित्यो राधिका अकाली, इसी आनंद का मेरा अंदर में जो माधुर्य है, श्रीमती दयामयी राधा अकेली आस्वादन करती, मैं तो बोका बन के रह जाता हूँ। यही प्रेमदारे नित्यो राधिका अकाली माने अकेला राधा रानी हमारा माधुर्यामृत आस्वादे सकली, एकमात्र दयामयी अकेली इसे आस्वादन करते रहती। आमार आस्वादन इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है, वो तो दयामयी राधारानी का तो ऐसा ही है भाव, इन्हीं को ही अधिकार है और कोई का तो है नहीं। और किसी का अगर अधिकार है तो इनके अनुगत्य में होगी, अनुगत्य में हो सकता है, दूसरा तो रास्ता है नहीं। जैसे मीराबाई जी बड़ा भक्त है भगवान, लेकिन इन्होंने दयामयी राधारानी का अनुगत्य नहीं की मीराबाई, इसलिए जिंदगी भर मेरा तो गिरधारी लाल दूसरा न कोई, इसलिए मेरा तो गिरधारी लाल दूसरा न, ऐसे ही कीर्तन किया भजन किया, लेकिन मिला तो नहीं गिरधारी का चरण, मिला दारिकाधीश कृष्ण का चरण। क्यों? इन्होंने श्रीमती राधारानी का अनुगत्य करने के लिए विचार नहीं किया, श्रीमती राधामयी राधारानी का अनुगत्य का विचार नहीं किया। ऐसे ही लक्ष्मी देवी बिल्लवन में, वृंदावन बेलवन में श्रीमती राधारानी अभी भी तपस्या कर रही है, कभी मिले लेकिन कभी मिलने वाला नहीं है। क्यों? दयामयी राधारानी का अनुगत्य करने के लिए लक्ष्मी देवी तैयार नहीं। मैं बड़ा हैं, हम तो तमाम संपत्ति का मालकिन हूँ, किसको चरण पकड़े भाई, ऐसा विचार है। इसीलिए लक्ष्मी देवी आज तक तपस्या कर रही है, लेकिन आज तक कृष्ण का संग मिला नहीं। तो भगवान ने विचार किया, श्रीमती दयामयी राधारानी अकेली मेरा जो माधुर्यामृत आस्वादन करते रहती है। यद्यपि निर्मल आधार सत प्रेम दर्पण, श्रीमती दयामयी का जो निर्मल यद्यपि निर्मल आधार सत प्रेम धर्म, श्रीमती दयामयी राधारानी का प्रेम की तुलना सत प्रेम दर्पण, मतलब प्रेम दर्पण में किसी दर्पण में अगर अपना शकल को देखो, ये तो रियल नहीं है ना, असत। पदार्थ विज्ञान में फिजिक्स में आता है ना, अपना कोई तस्वीर देखो कुछ देखो, ये नॉट रियल, ये तो असत प्रतिबिंब। लेकिन श्रीमती राधारानी का प्रेम दर्पण में रियलिटी है, इसमें कोई बनावटी नहीं है। इसलिए यद्यपि निर्मल श्रीमती राधारानी सत प्रेम दर्पण, अपना दिल में जो प्रेम का दर्पण है ये रियल है, इसमें कोई डुप्लिसिटी नहीं है, पक्का बात है। चलो अभी जो बता रहे हैं कृष्ण का माधुर्य अद्भुत अनंत असीम, ये माधुर्य अकेली श्रीमती राधा रानी आश्रय विग्रह होने के नाते आस्वादन प्रेम द्वारा आस्वादन करती रहती है। श्रीमती राधा रानी का शुद्ध प्रेम दर्पण अत्यंत निर्मल होने से भी इनके क्लैरिटी स्वच्छता और बढ़ती रहती है, और बढ़ती रहती है। बड़ा स्ट्रेंज। और हमारा माधुर्य भी असीम है, हमारा माधुर्य भी असीम है, इन्फिनिटी है हमारा माधुर्य असीम। हमारा माधुर्य भी असीम बोल के वृद्धि बढ़ने का चक्कर में जाए वर्धनशील और श्रीमती राधा रानी स्वच्छतापूर्ण प्रेम दर्पण अग्रे, तो मेरा जो माधुर्य इनके राधा रानी का सत्प्रेम दर्पण में रिफ्लेक्टेड होके नव 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 नवायमान रूप में भासमान होते रहते हैं। सो क्या है तदीय माधुर्य और राधा प्रेम दो परस्पर एक कंपटीशन मोदियो। हमारा जो माधुर्य और श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम, दोनों में ये बढ़ना चाहता है, ये बढ़ना चाहता है, कंपटीशन लगे रहते हैं। आमार माधुर्य आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली श्रीमती राधा रानी यही प्रेम दारे नित्य राधिका एकली अकेली आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली। यद्यपि निर्मल राधार सत्प्रेम दर्पण तथापि स्वच्छतार बाड़े क्षणे क्षण। आमार माधुर्य नहीं बाड़ीते अवकाशे माधुर्य राधार प्रेम दोहे होड़ करी खने खने बारे दोहे केहो नहीं हारी। हमारा माधुर्य बढ़ते रहते और राधा रानी का प्रेम की विलास प्रेम की आस्वादन ये बढ़ती रहती। कोई किसी को डिफेट नहीं कर सकता, कंपटीशन चलती रहती है। हमारा माधुर्य नित्य नव नवायमान रूप में प्रतिभात होते रहते माधुर्य। सौ सौ प्रेम अनुरूप हमारा अंदर में जो माधुर्य है, जो जैसा किस्म का भक्त है वैसा आस्वादन करेगा। हमारा जो सौ सौ प्रेम अनुरूप जिसका जैसा प्रेम है, किसी का शांतोरस का प्रेम है, किसी का शांतोरस को तो प्रेम बोला ही ना, अटैचमेंट है ही है, शांतोरस का भी है गुप्तो। फिर भी दासो सखो वात्सल्यो मधु जो है, जो जैसा भक्त है उसका ऐसा ही आस्वादन होते हैं, ऐसा ही होता है जो जैसा है। सौ सौ प्रेम अनुकूल जिसका जैसा प्रेम की भाव है, यथा जे यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य। जिसका जैसा अनुराग है प्रेम है उसी का मुताबिक अकॉर्डिंग टू दैट भक्तों आस्वादन करते रहते हैं भगवान का माधुरी। माँ दर्पणाद्य देखी यदि आपन माधुरी। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, भगवान श्री कृष्ण ने ये विचार किया कि मैं अपना ही माधुर्य जब देखता हूँ, जब अपना माधुर्य मैं देखता हूँ ना किसी स्फटिक स्तंभ में या दर्पण में, तो मैं पागल हो जाता हूँ। वो कौन है? दर्पण में देखा अपना ही मूर्ति, वो आलिंगन करने के लिए इच्छा होती है। दर्पणाद्य देखी यदि अपन माधुरी, अपना माधुरी में अगर आपने देख लिया कदाचित, तो मेरा मन लगता है उसको जाके आलिंगन करे, चुम्बन करे, लेकिन ये संभव नहीं। दर्पणाद्य देखी यदि अपन माधुरी आस्वादित है लोग आस्वादित नारी। ये द्वारका में भगवान जब अपना ही प्रासाद में अपना ही मूर्ति किसी स्फटिक स्तंभ में अवलोकन करते हैं तो पागल बन जाते, समझ नहीं पाते क्या है मेरा अंदर में, क्या माधुर्य है, क्या आनंद है। आस्वादन के लिए इच्छा होती है, लेकिन आस्वादन का कोई रास्ता है नहीं। विचार करिए यदि आस्वाद उपाय, यदि अगर ये आनंद का हमारा अंदर में क्या आनंद है, इसका आस्वादन करने का अगर क्या वे आउट है, रास्ता है, विचार करने से यही उत्तर एक रास्ता खुला दिखता है। राधिका स्वरूप होते तबे मंद है। अगर हम श्रीमती राधारानी का स्वरूप भाव को चुरा ले तो संभव है। विचार करिए यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप होते तबे मंद है। राधा रानी का स्वरूप को चुराने के लिए, भाव को चुराने के लिए यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं है। इसलिए ललित माधव में लिखा हुआ है, अपरिकलितो पूर्वः चमत्कारकारी स्फुरति ममो गौरियानेशो माधुर्यपूर अयम अहमोपि हंतो प्रेक्षो जम लुब्धचेता सरभसम उपभक्तुम कामये राधिकेव। अपरिमित कली पूर्व चमत्कारकारी स्फुरति ममो गौरियानेश माधुर्यपूरः अयम अहमपि हंतो प्रेक्षो जम लुब्धचेता सरभसम उपभोक्तुम कामये राधिकेव। श्रीमती राधा रानी का मापिक मेरा भाव लेने का विचार, और कोई दूसरा नो ऑल्टरनेटिव। एकमात्र तो श्रीमती राधा रानी का स्वरूप भाव को चुराने के लिए मानो, और कोई रास्ता नहीं। कृष्णेर माधुर्येर एक स्वाभाविक बोल। अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्णों का माधुर्य का ऐसा ही अनोखा चमत्कार भाव है। अनोखा मतलब चमत्कार, ठीक है, अनोखा भाव है। कृष्ण माधुर्येर एक स्वाभाविक बोल, नेचुरल, इसका अंदर में ऐसा पावर है कृष्ण माधुर्य। जो कोई भी कृष्ण का ओर देखे तो ये पागल बन जाता है। कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल। कृष्ण आदि नरनारी करे चंचल। जो भी कृष्णों को देखा है, जैसे कि मिसाल दे दे, एक उदाहरण दे दे, कृष्ण का उदाहरण तो बहुत ऊंचा है। नारायण अतः वरदराज का, जब श्री रामानुजाचार्य का एक शिष्य है, रामानुजाचार्य जी का एक शिष्य है, इन्होंने रूप का लट्टूट थे। रूप देखने से वो भूल जाते, रूप देखने से, उसका रूप, अपना बीवी का रूप देखते रहते थे हर वक्त, सामने बैठा के रूप का लट्टू थे। रूप देखने से आसपास आनंद फूल। रामानुजाचार्य का एक शिष्य है, और भक्तों लोगों ने शिकायत किया, ये कौन सी हरकतें हैं, देखो ये क्या बहुत खराब है। अपना बीवी को देखते रहते हैं। बीवी चलती है, वो छत्ता लेकर है, गोरा रूप काला पड़ जाएगा, इसीलिए छत्ती लेकर वो अपना बीवी को देखते देखते पीछे हटती। बीवी चलती है, वो पीछे हटता है। ऐसा समाज में बहुत घृणित है, ये उचित नहीं है। भक्तों लोगों ने शिकायत किया रामानुजाचार्य जी को, दे देखिए ऐसा हालत, ऐसा है, कुछ गड़बड़ है। किसी भी हालत से ये समाज में रहने का लायक नहीं है, बड़ा निंदनीय है, बड़ा घृणित है, क्या बात है। ठीक है चलो, तो शिष्य को रामानुजाचार्य ने बुलाया, उसको मेरा पास भेज दो, मेरा पास भेज दिया। क्या गुरुजी क्या बात है? बोले सुनो, तुम्हारा साथ कुछ बात है, मेरा साथ तुम अभी वरदराज मंदिर में चलो दर्शन करने के, दर्शन तो कर, अभी चलो मेरा साथ दर्शन करने के लिए चलो। रामानुजाचार्य उनको वरदराज जी महाराज का दर्शन करने के लिए लेके गए, और दर्शन करने का समय में जो दर्शन का झांकी खोला है, दर्शन का झांकी खोला है, रामानुजाचार्य जी ने प्रभु का पास प्रार्थना किया, प्रभु कृपा करो, ये पागल है, इस पागल को ऐसा आप रूप दिखाओ जे वो जो बीवी का चक्कर में फंस गया है वो छूट जाए, बीवी का नशा जो है छूट जाए, बीवी का रूप का नशा। ऐसा करके रामानुजाचार्य जी ने वरदराज जी को प्रार्थना किया। मंदिर का अंदर ठाकुर जी हैं। इसी समय के मत पूछो, रामानुजाचार्य का प्रार्थना लेकर ठाकुर जी ने अपना अनंत रूप का झांकी खोल दिया। किसका सामने? इसका सामने, ये पागल का सामने। जब देखा वरदराज का रूप, पागल बन गया, पागल, ओ पागल बन गया। अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कोई रूप कभी हो सकता, मैं सपने में भी नहीं सोचा, सपने में भी मैंने नहीं सोचा कि ऐसा रूप कभी संभव है। लेकिन ऐसा रूप देखे भगवान ने दर्शन दिया। तो दर्शन करने के बाद उसका जो रूप का नशा है, बीबी का रूप का नशा है, ये छूट गया। तो ये वरदराज नारायण वरदराज है, तो कृष्ण का माधुर्य कैसा हो सकता है? अभी कृष्ण का माधुर्य का एक स्वाभाविक इतना पावर है, कृष्ण आदि नरो नारी करे चंचल, कृष्ण को देखकर जितना नरो नारी सब पागल बन जाता है। और भगवान का अगर दो शब्दों सुने तो कानों को दूसरा जगह खींचेगा, आँखों को दूसरा जगह खींचेगा, हर मन को दूसरा जगह खींचेगा। चारों ओर से कृष्ण दर्शन का ये इफेक्ट है, जो आँखों इस तरफ जा रहा है, कान कृष्ण नाम का, कृष्ण आँखों के कृष्ण रूप का ओर है। शोभने दर्शने आकर्षणे सर्वमन, सारे आँखों कान त्वचा सब इंद्रियों छूटता है, दौड़ता है भगवान का ओर। इतना ट्रिमेंडस अट्रैक्शन है। श्रवणे दर्शने आकर्षणे सर्वमन, अपना आस्वादित कृष्ण करें जतन, अपने आप कृष्ण अपना रूप को आस्वादन करने के लिए पागल बन जाते, लेकिन करने का कोई रास्ता है। अपना आस्वादित कृष्ण करें जतन, लेकिन ये थोड़ी होता है, अपना माधुर्य कैसे आस्वादन, ये कैसे हो सकता है? ये माधुर्यामृतो सदा जय पान करे, तृष्णा शांति नहीं तृष्णा बारे निरंतरे। कृष्ण का माधुर्य, कृष्ण नाम का माधुर्य, कृष्ण रूप का माधुर्य, जो कुछ भी आस्वादन कोई अगर करे तो इसका जो सैचुरेशन पॉइंट आना संभव नहीं, जितना करे उतना ही बढ़ते चलता है। जितना ही करे, दर्शन करे, सुने, उतना ही तृष्णा शांति नहीं तृष्णा बारे, अपना तृष्णा कृष्ण रूप का, कृष्ण नाम का, सुनने का, सब बढ़ते रहते हैं। इसलिए बताया जी ये माधुर्यामृतो सदा जयी पान करे तृष्णा शांति नहीं तृष्णा बारे निरंतर। कृष्ण को देख के कृष्ण का नाम किसी को सैचुरेशन पॉइंट आया है अभी ये सब पता नहीं चला, आज कोई खबर नहीं है। यहाँ तक ब्रजवासियों के बारे में आप आगे चलकर चर्चा आएगा। ब्रजवासियों का कंप्लेन है, ब्रजवासियों का शिकायत है ब्रह्मा जी का चरण में, आपने क्या आपका सृष्टि करने का टेक्नोलॉजी मतलब पता नहीं है। आप सृष्टि करते हो लेकिन सृष्टि का कैसे होनी चाहिए ये आपको पता नहीं। अरे कृष्ण दर्शन के लिए दो आंखें थोड़ी दिया जाता है, अरे दो आंखी से कृष्ण कैसे दर्शन किया जाए। गोपियों ने ब्रजवासियों ने कंप्लेन कर रहा है ब्रह्मा बेवकूफ है, ब्रह्मा सृष्टि नहीं जानता है, अगर जानता होता है तो फिर ऐसे दो आंखें क्यों दिया, क्यों कोटि आँखें नहीं दिलो सबे दिलो दुई ताहते निमेष दिलो की देखी वो मुई। करोड़ों आँखें दिया नहीं, आ दिया तो दिया दो आँखें दिया, आ चलो ठीक है, आ दो आँखों में भी फिर पलक झपक, पलक झपक है, आँखें मूंदना पड़ता है। अब कृष्ण कैसे देखे हम, कोटि आँखें नहीं दिलो सबे दिलो दुई ताहते निमेष दिलो कृष्ण की देखी वो मुई। क्या कृष्ण दर्शन करे, कृष्ण दर्शन के लिए करोड़ों आँखें चाहिए लेकिन दो आँखें दिया उसमें पलक झपक है, ऐसा ऐसा। ब्रह्मा का सृष्टि का टेक्नोलॉजी, ब्रह्मा सृष्टि का कुछ जानते नहीं है, ना 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 ये जानते नहीं है। ऐसा करके अपना कंप्लेन कर रहे हैं। श्रवण दर्शने आकर्षय सर्वमन अपना आस्वादित कृष्ण करें जतन। ये माधुर्यामृत सदा जयी पान करे, हमने बताया पहले ही इस माधुर्यामृत जो पान करे इसका सैचुरेशन पॉइंट कभी नहीं आने वाला है। जितना पान पिएगा उतना ही नशा चढ़ जाएगा, उतना ही देखने का मन लगेगा। ये माधुर्यामृत सदा जयी पान करे तृष्णा शांति नहीं तृष्णा बारे निरंतर। और जब निरंतर तृष्णा बढ़ती रहती है अतृप्त तो सैचुरेशन पॉइंट तो आना संभव ही नहीं है। अतृप्त तो होइया करे विदिरे निंदन बीइंग डिससेटिस्फाइड, ब्रह्मा को कंप्लेन कर रहे हैं। ब्रह्मा को बोला अविदग्ध, ब्रह्मा का कोई अकल नहीं है। अविदग्ध विधि, विधि मतलब ब्रह्मा, अविदग्ध विधि भालो ना जाने से आई इज क्रिएटिंग और सृष्टि तो करते लेकिन उतना फाइन टेक्नोलॉजी जानते नहीं। अविदग्ध विधि भालो ना जाने सीजन अच्छा करके सृष्टि करना इसका बस का काम नहीं है। अच्छा करके सृष्टि करना इसका बस का काम नहीं है, वो जानता नहीं। अविदग्ध विधि भालो ना जाने सृजन कोटि नेत्र नहीं दिलो सबे दिलो दुई, करोड़ों आँखें नहीं दिया अब दो दिया सबे दिलो दुई। एर ताहते निमेष कृष्ण की देखियो, इसमें भी दो आँखें दिया और दो दिया तो दिया ठीक है लेकिन इसमें पलक झपक, क्या देखेंगे कृष्ण। ताहते निमेष कृष्णों की देखी वो मुझे, थोड़ी ऐसे कृष्ण देखा जाए, कृष्ण देखने के लिए करोड़ों करोड़ों आँखें चाहिए, कृष्ण नाम सुनने के लिए करोड़ों करोड़ों कान चाहिए। क्या दिया है, कमाल की बात है। ब्रह्मा श्रेष्ठ जानते नहीं। अविदग्ध विधि भालो ना जाने सृजन करोड़ों आंखें नहीं दिया, कोटि नेत्र नहीं दिलो, सब दिलो दुई। इनमें भी पलक झपक दे दिया। धात निमेश कृष्ण की देखो भूमि। भागवत जी महापुराण से एक श्लोक का रिफरेंस श्रीमद् जी भागवत जी महापुराण का 10th कैंटो से 82 नंबर अध्याय का 39 नंबर श्लोक को उठाकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने प्रमाण हासिल किया। इसमें लिखा है गोपश्च कृष्णम पलब्बचिरात् अभीष्टम यत् प्रेक्षणे दिशिषु प्रक्षकृतां सपन्ति दिग्भिर्हृदिकृतमलं परिरब्ब सर्वः तद्व्यापना तद्भावमापुरूपी नित्यजुजम दुरापम। क्या लिखा है? गोपश्च कृष्णम उपलब्बचिरात् अभीष्टम यत्प्रेक्षणे दिशिषु पक्षकृतं सपन्ति दृग्विहृदिकृतमलं परिरब्ब सर्वः तद्भावमापुरूपी नित्यजुजम दुरापम। हैं फिर भागवत जी का फिर भागवत जी महापुराण का 10th कैंटो का गोपी गीता से श्लोक उठाया। अटत यद भवान अन्निकाननम किटजुगायते तामपाशतम कुटिलकुंतलम श्रीमुखांचते जरोदीक्षताम पक्ष की दृशाम। हैं दिया है अटतिजद भवाम अन्य काननम किटजुगायते तम अपश्यताम कुटिलकुंतलम सिमखंचते जरोदीक्षताम पक्ष की दृशाम। ये सब मतलब आप जब जंगल में वृंदावन का जंगल में घूमते रहते हो नंगा पैर और इतना ताप है सूरज भगवान का, इस समय आपका कष्ट देखकर हम लोग को रहा नहीं जाए। अटति यद भगवान अन्य कानन कृटिजुगायतम, आपको नहीं देखने के कारण एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है कि कृटिजुगायते जुग जुग हो गया कृष्ण को देखा नहीं। अटति यद भगवान अन्य काननम अटति यद भवान अन्य काननम किटिजुगायते तम अपश्यतम और कुटिलकुंतलम सिमखंचते, आपका बाल जो है कर्ल हेयर चारों ओर बिखरे हुए है। कुटिलकुंतलम सिमखंचते जरोदीक्षताम प्रक्षकृतिशम, आपका ये सुंदर भाव देखने के लिए पक्ष की दृशाम। सो ऐसा करके सिमुखम उच्चैर इक्षमानम देखने के लिए इच्छा होता है, इच्छा होती है। चादृशाम प्रक्षकृतम जड़ो मूर्ख है, इसमें रुकावट है आँखों का पलक झपक। अटति यद भवान अन्निकाननम किटयुगायते तामपाशतम कुटिलकुंतलम सिमुखांचते जरोदीक्षताम पक्षकीदृशा। तो पहले क्या बताया? गोपश्च कृष्णम उपलब्बचिरात् अभीष्टम यत् प्रेक्षणे दिशिषु प्रक्षकृतं सपन्ति जगदिग्भिर्हृदिकृतमलं परिरब्ब सर्वः सद्भावमापुरपि नित्यो युयाम दुरापम। आहा कैसा सुंदर है, कैसा सुंदर भाव है। आहा गोपीगण बोले बहुत दिन के इंतजार, बहुत दिन के इंतजार का बाद आपका दर्शन मिला है। गोपीगण बहुत दिन का इंतज़ार, इंतज़ार इम्तिहान है, ये इंतज़ार इम्तिहान है, ये सहन नहीं हो पाता। आह गोपीगण बहुत दिन का इंतज़ार क्या इम्तिहान के बाद अब कृष्ण को मिला है। आह कृष्ण रूप तद दर्शने, अपना आँखों का जो पलक झपक को निंदा किया, निंदा किया। विधि ब्रह्मा सृष्टि नहीं जानते। दर्शन इंद्रियों का द्वारा, अपना आँखों के द्वारा कृष्ण को हृदय के अंदर में कृष्ण का छवि पिक्चर को लाया। कृष्ण को देखने के बाद कृष्ण को हृदय में लाया और हृदय के अंदर में एम्ब्रेस किया, आलिंगन किया। अब क्या करे, उपाय नहीं है, उपाय भी नहीं है। दर्शन इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के हृदय में स्थापन किया और प्रेम भाव के द्वारा उसको आलिंगन करके प्रेम, कृष्ण प्रेम, ये जो प्रेम है ये ब्रह्मा विधाता है, जोगीगण ये भी बड़ा है, लेकिन किसी का मिलने वाला नहीं है। गोपश्च कृष्णम उपलब्ध चिराद अभीष्टम यत्प्रेक्षणे दिशिषु प्रक्षकृतम सपन्ति जगदिग्भिर् हृदि कृतमलम परिरब्ध सर्वः स्तद्भावमापुरपि नित्ययुजाम दुरापम। इसके बाद वेणुगीता से उठाया गया। कृष्ण, कृष्ण को देखने के बाद कृष्ण अवलोकन के बिना आँखों का क्या फल है? क्या आँखों किस काम का है? ये कान किस काम का है? जिस आँखों के द्वारा कृष्ण रूप दर्शन संभव नहीं है वो आँखें बेकार है। क्या करे वो आँखों, क्या काम का है? अगर कृष्ण को नहीं देखे आँखों के द्वारा, आहा कृष्णो दर्शन करना ही आँखों का सक्सेस है। अब क्या करे? वेणु गीता में, वेणु गीता में ऐसा लिखा है, गोपियों कह रहे हैं अक्षन्नतम फलमिदम न परम विदामः शक्षहो प्रसुननु विवेशयो तयोर्वयस्वी भक्त्यं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम जयैर्वैर्निपीत मुनुरक्त कटाक्षम अक्षम। क्या बताया देखो वेणुगीत में सुंदर, अक्षन्नताम फलमिदम न परम विदामः शक्षः प्रसुननु विवेशतयोर्वयस्वी भक्तं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम जयैर्वैर्निपीत मुनुरक्त कटाक्षम अक्षम। आह गोपः स्तपः किमचरण जदुमस्वरूपम् लावण्य सारमसमर्दमनन्न सेदम दृग्भि पिबंत मनु सभाभिनवम दुरापम एकांत धाम च सह श्रियोईसरस्य। काल विचार हो पाएगा इस दो श्लोक का, अक्षन्नताम फलमिदम न परम विदामः और गप्पः तपः, गप्पः स्तपः किमचरं जदुमस्वरूपम। इस दो श्लोक का विचार काल हो पाएगा, आज समय नहीं है। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे। भले सुलभम भगवान नाम जीवा चौबसवर्तिनी तथापि तथापि लोकः नरकम जानती किम आश्चर्यमते परमम वांछकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।